अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्मॉइड वॉल्वुलस। सिंपली वर्ड में अगर आपको बताऊँ ना तो वॉल्वुलस क्या होता है कि इंटेस्टाइन का ट्विस्ट हो जाना। इंटेस्टाइन का ट्विस्ट हो जाना यूजली सिग्मॉइड कॉलन का ट्विस्ट हो जाना, उसको हम सिग्मॉइड वॉल्वुलस कहते हैं। अब वॉल्वुलस है उसकी वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉकेज होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आएंगे। लाइक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को, वॉमिटिंग होगी पेशेंट को और ब्लॉटिंग होगी, ये सिम्टम्स आएंगे। वो तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यह सिग्मॉइड वॉल्वुलस है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है? तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन के बाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पहले हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि सिग्मॉइड वॉल्वुलस होता क्या है और ये क्या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेल्स के अंदर कॉमन होता है और उसके बाद ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज के अंदर जैसे कॉमन होता है कैंसर, वैसे ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके अंदर सिग्मॉइड कॉलन है वो वॉल्वुलस होगा, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अच्छा, इसका फीचर है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज वॉल्वुलस होता है, ट्विस्टिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक पॉइंट याद रख लें जस्ट। उसके बाद आ जाते हैं इसका पेशेंट का क्या होता है कि लेफ्ट जो क्वाड्रेंट होता है, यूजली लेफ्ट लोअर और अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट का सिग्मॉइड वॉल्वुलस डेवलप होता है। अगर हो तो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन होगी। एक फीचर ये इसका ये है कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी, दूसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग और साथ में ब्लॉटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स फीचर्स आएंगे किसके, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के या सिग्मॉइड वॉल्वुलस के। अब ये सिम्टम्स आ गए हैं, अब हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है। तो जैसे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हम एक्सरे करवाते हैं, ऐसे इसके अंदर भी एक्सरेज का ही इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरेज करवाएंगे, एक्सरेज के अंदर ही ये डिटेक्ट हो जाती है। इतना बड़ा कॉलन के अंदर ना, पूरे एक्सरेज के अंदर, पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमें बड़ा सारा एक सा जिसका बीन होता है ना, कॉफ़ी बीन होता है वैसा, या फिर जिसका ओमेगा का साइन होता है, ओमेगा साइन, ओमेगा का जो सिंबल होता है वैसा हमें जो है प्रेजेंटेशन मिलेगी, फाइंडिंग मिलेगी इसका एक्सरेज के अंदर, एब्डोमिन के एक्सरे के अंदर। और एब्डोमिन एक्सरे हमने जो करवाना होता है इरेक्ट पोजीशन में होता है, खड़े करके पेशेंट को उसके एक्सरे करवाना होता है। इजी सा है, इजीली क्लियरली डिटेक्ट हो जाता है एक्सरे के अंदर। और इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन सिम्टम्स इजी हैं एंड देन उसके बाद इसकी हम कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन सॉरी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमने पेशेंट को एनपीओ करना होता है, उसके बाद एनजी ट्यूब करवा, जो एनजी ट्यूब है वो पास करनी होती है, एनजी ट्यूब के बाद पेशेंट को एनजी डी कंप्रेशन करवाना होता है। 3 दिन तक पेशेंट को मोनिटर करते हैं, अनलाइकली कि ये इस्कीमिया ना हो। तो अब उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन के, ऑब्स्ट्रक्शन 3 दिन के अंदर नहीं ठीक होता तो सर्जरी करके हम पेशेंट को करेक्ट करते हैं इसका जो अंडरलाइन कॉज होती है। अगर अंडरलाइन कॉज सिग्मॉइड वॉल्वुलस है तो उसके अंदर हम सर्जरी में क्या करेंगे, पेशेंट का जो सर्जन होता है, सर्जन ने क्या करना है, एक्सपर्ट्स ने क्या करना है, इस पेशेंट की जो थ्रू रेक्टम कैलो के कैमरा पास करना होता है, एंडोस्कोपी करनी होती है, एंडोस्कोपी के साथ ही जो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल वायरिंग होती है उनका इस्तेमाल करना है। मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबल सिग्मोटोस्कोपी करेंगे, मतलब सिग्मोटोस्कोपी देखते हुए हमने क्या करना है, इसका वॉल्वुलस ठीक कर देना है, करेक्ट कर देना है, जो ट्विस्टिंग है उसको ठीक कर देंगे। अगर उसके साथ भी ठीक नहीं होता है देन हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, ओपन सर्जरी होगी। ओपन सर्जरी में पेशेंट का क्या करेंगे, सिग्मॉइड वॉल्वुलस को मैकेनिकली ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर ये तो वॉल्वुलस है, सिंपल वॉल्वुलस है तो उसका ट्रीटमेंट इजी है, लेकिन अगर पेशेंट को क्या है, इस्कीमिया डेवलप हो चुका है उसके सिग्मॉइड कॉलन का, या फिर अगर कोई आर्टरी ब्लॉक है उसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो गया, वहाँ पे नेक्रोसिस डेवलप होगी, वो ठीक नहीं होगी, उसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन है, डिस्टेंशन है, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के अंदर ना 2 प्रोसीजर्स के नाम है, हमने कॉलन को कट करके या तो रेक्टम के साथ अटैच कर देना है, हार्डमैन प्रोसीजर करेंगे, या तो क्या करेंगे कॉलन को रिमूव किया, रेक्टम को रिमूव करके यूजली हम ना ये कैंसरस कार्सिनोमास के अंदर प्रोसीजर जो है ना फॉलोअप करते हैं, पॉल मिकुलिकुस, ये हम प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होगा कि जो सिग्मॉइड कॉलन है, कॉलन को रिमूव करेंगे, साथ में रेक्टम को भी रिमूव कर देंगे समटाइम्स कार्सिनोमास के अंदर। अगर ये तो इसमें सब क्यूटेनियसली जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको क्यूटेनियस मतलब स्किन के साथ, एब्डोमिन के साथ अटैच कर देंगे एंड देन यहाँ पे बैग अटैच कर देंगे और सारी ज़िंदगी फिर हम वो या जब तक हम आर्टिफिशियली कुछ प्रोसीजर अटैच ना कर दें तब तक ये पेशेंट जो है ऐसे ही अपना जो फीसिस है, जो वेस्ट है उसको रिमूव करेगा अपनी बॉडी से। तो ये था सिग्मॉइड वॉल्वुलस। एक पॉइंट याद रखना है इसके एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, अगर कॉफ़ी बीन साइन मिला तो कंफर्म है ये सिग्मॉइड वॉल्वुलस है। एक ही पॉइंट बस याद रख लिया, इनफ है।
और लेफ्ट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी पेशेंट को मोस्ट कॉमनली। ये था सिग्मॉइड वॉल्वुलस।